Assalamualaikum स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आर न्यू लेसन 1.6 दैट इज द पीकॉक एंड द क्रेन एंड इट इज अ शॉर्ट स्टोरी एंड इट विल गिव अस अ वेरी गुड मैसेज एंड इट विल टॉट अ वेरी गुड थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नैरेट दिस स्टोरी इन टू द इंग्लिश लैंग्वेज. आफ्टर इट आई विल एक्सप्लेन इट इन टू द हिंदी. सो वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी. There was once a very conscious peacock. You know very well, peacock is our national bird. There was a very conscious peacock and who had a gorgeous tail like no other bird. So, when once he met a crane one day, the peacock scoffed at crane colorless and dull feathers. And immediately spread his own colorful tail for the crane to see and admire. And he told to the crane, peacock told to the crane, look at my feather. He talked with excessive pride. And he said to the crane, look how my feathers shine in all the colors of the rainbow. You know, there are 7 colors in the rainbow. That is, yellow, red, blue, indigo, violet, green, and blue. You know, so he gives the example of the rainbow. Look at my feathers, how they shine in all the color of the rainbow. Why? Your means crane feather is so pale. He insulted to the crane and he tell once again, look at my dress. I wear the dress like a king. Then crane answered to the peacock very smartly. He said, that is true that your feather is so beautiful, that you dress like a king. It is totally true. But I can fly above among the clouds and the stars, and I can see all the beauty of the earth in all its glory, while you live down here just like the other cock. Fine feathers don't make fine birds. Here the story is end. It is a very short story. First of all, peacock admired himself in front of the crane, and then he feels insulted, crane feels insulted, and he gives the very smart answer to the peacock. It was a story. Now we will understand it into the Hindi language. Student, dekhiye yahan pe ye story hai ek mor ki. Aapko pata hai ki jo mor hota hai wo हमारे भारत देश का नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है. आपको बताया मोर के बारे में, मोर बहुत ही खूबसूरत परिंदा होता है, ठीक है. और जो मोर होता है, मोर को हिंदू धर्म के अंदर, क्रिश्चियन धर्म के अंदर और मुस्लिम धर्म के अंदर मुकद्दस माना जाता है. इसीलिए हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है. इसमें कोई भी शक नहीं है कि मोर एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है. उसको देखने से हमारा जो दिल है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. लेकिन एक कहानी है एक मोर की और एक सारस की. ये जो सारस है, एक बार क्या होता है, इस कहानी के अंदर एक मोर है जो कि बहुत ही प्राउडी है, मतलब जो अपने आप पे बहुत ज़्यादा फख्र महसूस करता है. और इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत ही गॉर्जियस फीदर है. गॉर्जियस उसकी दुम है, टेल है. गॉर्जियस मीन्स बहुत ही खूबसूरत उसकी जो है दुम है. आपको बताया कि मोर की जो दुम होती है इस तरह पैसे पैसे होते हैं, काफ़ी रंग बिरंगी होती है, तो इसीलिए काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है. तो ऐसा मोर जो अपने आप में बहुत ज़्यादा घमंड करता है, फक्र करता है, इसलिए क्योंकि उसके उसके पास बहुत ही खूबसूरत दुम है, चमकने वाले उसके पर है. वो मिलता है एक सारस से, उसकी मुलाकात हो जाती है एक सारस से. और सारस को देखकर जो मोर होता है
वो उसका मजाक बनाने की कोशिश करता है। जब उसके वो पर देखता है, सारस के पर जो है उतने खूबसूरत नहीं होते जितने के मोर के होते हैं, इसलिए उसको लगता है कि सारस के जो फीदर है वो डल है, कलरलेस है, उसमें रंग बिरंगे नहीं है, वाइट वाइट है, इसीलिए वो उसका मजाक बनाने की कोशिश करता है। और जान उसके अपने जो अपनी जो दुम है और अपने जो फेदर है, उसके जो पंख है, वो खोलने की कोशिश करता है और खोलता है और सारस को दिखाता है ताकि सारस देखे और अपने आप में महसूस करे कि भाई देखिए मोर के जो पंख होते हैं, फेदर होते हैं, कितने खूबसूरत होते हैं, जबकि मेरे जो पंख है इतने खूबसूरत नहीं, ऐसा सारस सोचे। और बाद में सारस से बातचीत करना शुरू कर देता है मोर और खुद ही की तारीफ खुद ही के मुंह से करता है। तो सबसे पहले बोलता है कि देखो मेरे पर की तरफ कितने रंग बिरंगी है और मेरे जो पर है कितने चमकते हैं रेनबो के अंदर, है ना। तो कौसे कला जिसको बोलते हैं उर्दू के अंदर, रेनबो आपको पता है कि उसमें 7 कलर होते हैं, रेड होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, इंडिगो होता है, वॉयलेट होता है, रेड होता है और ग्रीन होता है, ठीक है। इस तरह से 7 कलर हम पता है हमको अच्छी तरह से कि जब कौसे कजा चमक कौसे कजा निकलती है बरसात के बाद तो मेरे जो पर है मेरे जो फेदर है वो उसमें बहुत ज्यादा चमकते हैं, लेकिन तुम्हारे जो पर है यानी जो सारस के जो पर है वो बहुत ही फीके है, वो इतने चमकदार नहीं है, वो तो चमक उसमें होती ही नहीं है। और आगे बोलता है कि मैं जो ड्रेस पहनता हूं तो ऐसा ड्रेस पहनता हूं जैसा कि बादशाह पहनते हैं। बादशाह बोले तो जो बादशाह होता है जो पूरे किंगडम पे रूल करता है तो उसके पास काफी पैसा होता है, इसीलिए वो अच्छे से अच्छा दुनिया का अच्छे से अच्छा लिबास खरीद सकता है। तो जैसा एक बादशाह अच्छे से अच्छा लिबास पहनता है वैसे ही मेरा जो कलर है ऐसा लगता है कि देखो मैंने कितना खूबसूरत और महंगा लिबास पहना है। फिर बाद में ये सारी चीजें खामोशी से जो क्रेन है वो खामोशी से मोर की बातें सुनता है और बाद में एकदम आराम से उसको जवाब देता है कि ठीक है जितनी सारी चीजें तुमने अपने आप के बारे में गिनाई है सारी चीजें सही है, लेकिन लेकिन जो बात मुझ में है वो तुम में नहीं। जितना आसमान के अंदर ऊंचाई पर मैं उड़ सकता हूं तुम नहीं उड़ सकते, सितारों को जाकर मैं छू सकता हूं और खुदा ने जो इतनी अजीम कायनात बनाई है मैं इसमें रोम कर सकता हूं, मैं इसका मजा ले सकता हूं, मैं इसमें घूम सकता हूं, लेकिन तुम नहीं ले सकते, तुम सिर्फ एक मुर्गा बनकर या फिर मुर्गी बनके, यहाँ पे मुर्गा दिया है, तुम सिर्फ मुर्गा बनके ही रह जाओगे। तुम्हारी उड़ान ज्यादा से ज्यादा, मोर ऐसा नहीं कि उड़ नहीं सकता, उड़ सकता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 फीट, उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं। जैसे आसमान में ऊंचाई पर मोर नहीं उड़ सकता, थोड़ा सा उड़ सकता है लेकिन ऊंचाई पे नहीं उड़ सकता क्योंकि उसकी जो बॉडी वेट होता है बहुत ज्यादा होता है। तो इतना कहकर मोर को मोर का जो घमंड था गुरूर था इतना बोलकर वो क्या कर दिया, क्रेन ने तोड़ दिया, है ना। फाइन फीदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स, यानी सिर्फ अच्छे उम्दा आपके पर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे अच्छे परिंदे हो। तो इस तरह का जवाब देकर क्रेन ने क्या किया, मोर का जो गुरूर था वो तोड़ दिया। अगर ना आज सही कल जरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है, गुरूर जरूर टूटेगा। तो ऐसा बोला जाता है और मेरा भी ये ख्याल है कि गुरूर इंसान को कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हर चीज दुनिया के अंदर फना होने वाली है, है ना। तो गुरूर सिर्फ सूट अगर किसी को होता है तो वो सिर्फ होता है अल्लाह को। तो इस स्टोरी से हमने ये मोरल उठाया है कि कोई कैसा भी हो और अगर फॉर एग्जांपल हमारे अंदर कोई क्वालिटी अल्लाह ने दी है तो हम उस क्वालिटी को अपने पास ही रख के दूसरों पे ना थोपे और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी रखी है। अब एक कहानी सुनाता हूँ मैं, एक डॉक्टर की और एक मैकेनिक साहब की। एक बार मैकेनिक साहब की तबीयत खराब हो गई तो वो गए डॉक्टर साहब के पास, गए डॉक्टर साहब ने उनको गोली दी, डॉक्टर साहब ने गोली दी तो मैकेनिक साहब ने बोला कितने पैसे हुए थे, डॉक्टर साहब ने बोला कि 400 रुपये। तो मैकेनिक साहब ने बोला 400 रुपये 2 गोली के, तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं
दो गोली के 400 रुपए नहीं, बल्कि कौन सी गोली देनी की है उसके 400 रुपए। मैकेनिक साहब ने 400 रुपए निकाले और 400 रुपए दे दिए और चले गए। फिर कुछ दिन बाद एक ऐसी चीज हुई कि आपने डॉक्टर, वही डॉक्टर साहब रास्ते से जा रहे थे तो उनकी जो कार थी वो खराब हो गई और बीच में वही मैकेनिक साहब उनको मिले, तो उन्होंने पहचान लिया। मैकेनिक साहब ने, अरे बोले क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे बोले गाड़ी खराब हो गई। अच्छा गाड़ी खराब हुई, ठीक है मैं ठीक कर देता हूँ। बोले मैकेनिक साहब आए, अपने दो हथौड़े मारे और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो डॉक्टर साहब बोले बताओ, बोले कितने पैसे गए? बोले 2000 रुपए। बोले 2000 रुपए दो हथौड़े के? नहीं बोले, दो हथौड़े के 2000 रुपए नहीं, कहाँ हथौड़ा मारना है उसके 2000 रुपए। तो ऐसा ही है, अल्लाह ने सबको अपनी अपनी स्किल दी है, सबने अपनी अपनी स्किल सीखी है, तो कोई भी स्किल वाला छोटा या बड़ा नहीं होता है। अल्लाह ने सबको इक्वल बनाया है, इसीलिए हमको सभी को बराबर समझना है, कोई किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना है, क्योंकि अल्लाह ने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, पिन पॉइंट हर किसी को बख्शा है। तो इस कहानी से हम ये सीखेंगे और कभी भी जो गुरूर है इसको अवॉइड करेंगे अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह। आई होप कि आपको इस कहानी का मोरल भी समझाऊंगा, कहानी भी समझी होगी इंशाल्लाह। अगर आपको अगर नहीं समझा है तो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।